नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर बीते तीन महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर हरियाणा के सभी 88 विधायकों के घरों के बाहर आज रोष प्रदर्शन के बाद ज्ञापन देकर मांग की है कि हरियाणा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 10 मार्च को विधानसभा में होने वाले मतदान के समय किसानों के हितों को ध्यान में रखकर सत्तारूढ़ भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ मतदान करें। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने अम्बाला शहर में भाजपा विधायक असीम गोयल और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आवास के बाहर रोष प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा। गृह मंत्री अनिल विज की गैर मौजूदगी में कोठी पर तैनात पुलिस अधिकारी DSP राम कुमार ने किसानों से ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया कि आज ही ये ज्ञापन मंत्री जी को सौंप दिया जाएगा। यहां पहुंचे किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ बीते तीन महीने में किसानों ने अलग अलग तरीके से रोष व्यक्त किया है। अब 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के समय किसानों के समर्थन में जो भी विधायक भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे किसान उनका आभार व्यक्त करेंगे और जो विधायक किसानों के खिलाफ सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे उनको ग्रामीण अंचल में प्रवेश करने पर भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। अम्बाला छावनी से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। गृह मंत्री साहब तो यहाँ है नहीं थे, उनके किसी अधिकारी ने ले लिया ज्ञापन और हमें विश्वास दिलाया गया कि उनको ज्ञापन सौंप दिया जाएगा। यहाँ रुक जाए प्लान था कि शांतिपूर्वक वो देना है, ज्ञापन देना है, दे दिया। इस ज्ञापन में विशेष बात क्या कही? इस ज्ञापन में विशेष बात तो यही है कि कल अविश्वास पत्र पेश होगा, चंडीगढ़ वोट डालेगी, MLA वोट डालेंगे, सरकार के पक्ष में डाले या सरकार के खिलाफ डाले, डालेंगे सरकार के खिलाफ डालेंगे उनका पूरा मान सम्मान है। और अगर मतलब अगर उन्हें पता चल जाएगा कौन किसान है कौन नहीं है। जी, यहाँ पे आप किसान पूछे हुए हैं, क्या मामला है यहाँ? आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो पूरे देश के हमारे हरियाणा राज्य के अंदर जो सत्ता के विधायक हैं, चाहे JJP का चाहे BJP का, पूरे हरियाणा के अंदर ज्ञापन दे रहा है। आज हमने भी अम्बाला के विधायक असीम गोयल को और कैंट के मंत्री अनिल विज को ज्ञापन सौंपा। यही अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, वो कल जो अविश्वास पास करने की जो वोटिंग है वो वोटिंग हमारे किसानों के पक्ष में करे और जो काले कानून है ताकि ये वापस हो सके। और जो हम तीन महीने से ऊपर हो गया दिल्ली के अंदर किसान बैठे हैं अपना काम छोड़कर और देश का नुकसान हो रहा, हम इनसे ये अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो वोट कल हमारे किसानों के पक्ष में करे ताकि किसानों का जीत हो सके। जो मंत्री से मंत्री से आप मिले थे? मंत्री से नहीं, उनके आईओ थे, उनको आईओ को हमने ज्ञापन दिया है और शांतिपूर्वक हम यहाँ आए हैं। कम से कम भी हजारों की संख्या में हमारे किसान साथी ज्ञापन देने आए थे और हम उम्मीद करते हैं अभी ये शायद सदबुद्धि इनको दे और ये काले कानून है वोटिंग के जरिए अगर खुला नहीं आ सकते वोटिंग के जरिए तो हमारे किसानों का साथ दे सकते हैं।